ଆଇବ ଚଉଦର ଚଉଦ ମନୁଷ୍ୟ ମଲେ କ'ଣ ପୁନର୍ବାର ବଞ୍ଚିବ ମୋହର ମୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣା ଯୁଦ୍ଧର ସମସ୍ତ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। हालेलुया यहाँ पर क्या है जो अय्यूब है अय्यूब वो क्या है परमेश्वर के वचन में क्या है ये लिखा है अय्यूब था जो वो ये बात क्या है पूछ रहा है यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा। हालेलुया आज भी बहुत सारे लोग क्या है इस सोच में विचार में डूबे हुए हैं कि हम अगर मर गए तो हम नया जीवन पता नहीं देखेंगे या नहीं। पर मेरे प्यारो मेरे अजीजो वचन बताता है कि अगर जिसने अपना क्रूस उठाया जिसने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया वो नया जीवन पाएगा। हालेलुया नया जीवन आसानी से नहीं पाया जाता मेरे प्यारे क्योंकि वचन में यीशु मसीह ने खुद क्रूस को उठाया अपने पापों के लिए। आज क्या है हम बहुत सारी गलतियां करते हैं बहुत सारे पाप करते हैं और फिर भी क्या है हम सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा कर देगा। उस क्षमा को पाने के लिए खाली विश्वास ही नहीं उसके साथ साथ तुम्हें क्या है परमेश्वर के पीछे भी चलना पड़ेगा उस क्रूस को उठाना पड़ेगा क्योंकि आप देख सकते हैं यीशु मसीह इतना महान था और वो धरती पर आया किसी के लिए हमारे लिए हमारे खुद के पापों के लिए। हालेलुया उसने अपना खून बहाया ताकि हमारे पाप क्षमा किए जाए क्योंकि पाप क्या है पापों को क्षमा के लिए एक बलिदान होना चाहिए। पापों की क्षमा के लिए हमें क्या है कुछ त्यागने की ज़रूरत होती है। अगर हम सोचें कि मैंने विश्वास कर लिया यीशु मसीह पर अब मेरे सभी पाप क्षमा हो गए हैं और फिर भी हम क्या है कभी कभी पापों में फिर डूबे रहें क्योंकि वचन में लिखा है जब दाऊद ने पाप किया था तो उसने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर अपने सभी पापों को माना उसके बाद उसने कभी पाप नहीं किया। हालेलुया वचन बताता है कि भजन संहिता में 32 का 5 पढ़ेंगे गीता संहिता 32 और 5 गीता संहिता 32 और 5 पद आमने पढ़ा मु तुम्भ निकटे आपणा पाप स्वीकार कली ओ आपणा अधर्म लुचाइली नाही मु कहली मु सदाप्रभु निकटे आपणा अपराध स्वीकार करी तोरे तुम्भे मोर पाप घटित अधर्म क्षमा कल। हालेलुया क्या है आज बहुत सारे लोग क्या है मसीह में आते हैं क्योंकि उन्हें चंगियाई मिली होती है उन्हें बरकत मिली होती है पर उन्हें ये नहीं बताया जाता। आजकल क्रूस का प्रचार क्या है कम होता है क्योंकि क्रूस एक ऐसी जो क्या है जो पहले के समय जो क्रूस पर उसी को लटकाया जाता था जो पापी होता था जो गुनाहों में डूबा होता था जिसने बहुत सारी गलतियां पाप की होती है गलतियां हमने की थी क्रूस पर हमें चढ़ाया जाना था पर यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए क्योंकि हमने पाप किया था। और जब क्या है यीशु मसीह क्रूस पर उठाए जाते हैं तो आज क्या है हम भी देखते हैं यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए क्रूस को उठाया आज भी फिर भी हम बहुत सारी गलतियां करते हैं इससे हमारा नया जीवन नहीं है। हालेलुया क्योंकि हमारा जीवन क्या है एक पौधे की तरह है जो पता नहीं कब सूख जाए उसे पानी ना मिले। पानी क्या है वचन है जीवन जो ये जीवन है यही जल है एक वचन। हालेलुया क्योंकि वचन में आज प्रभु के दास चिरंतन भाई भी बता रहे थे क्योंकि जो यीशु मसीह के पास आता है उसे कभी प्यास नहीं लगती जिसने यीशु मसीह को पा लिया उसे कभी संसार की भूख नहीं लगती। हालेलुया तो आज क्या है जो वचन में से सीखते हैं हम कि यीशु मसीह ने क्रूस को उठाया आज हमें भी क्रूस को उठाना। क्रूस उठाने का मतलब ये नहीं है कि तुम लकड़ी लाओ और अपने कंधे पर रख लो जा उस पर चढ़ जाओ ये नहीं है। क्रूस उठाने का मतलब है कि निंदा को सहो उन जो लोग बोलते हैं आपको बुरा भला उन बातों को सहते हुए भी परमेश्वर का सुसमाचार करो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो। हालेलुया क्योंकि वचन बताता है कि चुने हुए तो बहुत है हालेलुया आए बुलाए हुए तो बहुत है सॉरी और चुने हुए कम है।
आज क्या है तुम्हें चुने हुए बनना है, हालेलुया, क्योंकि परीक्षा यीशु मसीह है, परमेश्वर इसीलिए लाता है ताकि हम परखे जाए। जो सोना होता है, सोना या लोहा, उसको क्या आग में डालते हैं ताकि वो परखा जाए कि वो खरा है या नहीं। आज हमें भी कभी कभी परमेश्वर परखता है परीक्षा में डालकर, जा कभी कभी मुसीबतों में डालकर कि मेरा बेटी, मेरा जो बहन है क्या है उस परीक्षा में से निकल पाती है या नहीं। कभी कभी हम परीक्षा, जब पड़ोसी बोल देना कि हमारे साथ कभी कभी क्या कुछ ऐसा हो जाता है कि हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, तब क्या है पड़ोसी बोलते हैं कि तू हमारे साथ चल, मैं तुझे एक जगह लेके जाता हूँ, वहाँ क्या है हर एक चीज मिलती है, चंगियाई मिलेगी, आशीष मिलेगी। आज बहुत सारे लोग क्या है इधर उधर भटके हुए हैं, क्रूस को नहीं पहचानते। हालेलुया, मेन बात है कि परमेश्वर ने क्या है हमारे लिए क्रूस उठाया, तो आज हम क्या है मेहनत कर रहे हैं या नहीं। यीशु मसीह में आकर क्या है खाली हम संडे जाते हैं और संडे प्रचार सुनकर आ जाते हैं, उसके बाद फिर वैसे जीवन। हालेलुया, क्योंकि प्रभु के दास जो होते हैं वो प्रभु की ओर से ही बोलते हैं। जो वचन संडे को आता है, कल भी बहुत सारे लोग जाएंगे प्रभु के दास के पास, वचन सुनकर आ जाएंगे, मेन बात है कि उसे लागू करना। हालेलुया, जब तक हम जीवन में लागू नहीं करते तो वो अनंत जीवन को नहीं पा सकते। हम क्या है जब यहाँ से मर जाएंगे तो किसने देखा है कि स्वर्ग देखेगा या नहीं। जब न्याय होगा, न्याय किया जाएगा, तो परमेश्वर भी तुम्हें क्या है अपने सामने बुलाएगा कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तूने क्या क्या कर्म किए हैं, क्या क्या मेरे वचनों का पालन किया है। तब बोलेगा यीशु मसीह कि तुमने अपना क्रूस उठाया या नहीं, मेरी आज्ञाओं को माना है या नहीं। हालेलुया, एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती 6:47,6:47 सत्य सत्य मु तुम्हें कहूँ जे विश्वास करे से अनंत जीवन प्राप्त हो। यहाँ पर वचन क्या बताता है, जिसने विश्वास किया, हालेलुया, उसी को अनंत जीवन मिलेगा, जिसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। क्योंकि परमेश्वर भी कहता है जो मेरे पुत्र पर विश्वास करता है वो मुझ पर विश्वास करता है। आज क्या है बहुत सारे लोग यीशु मसीह को जानते हुए भी क्या है उसकी तरह नहीं बनना चाहते, क्योंकि वचन बताता है अगर हमने यीशु मसीह को जान लिया तो उसके जैसे काम कीजिए, उसके पीछे हो लिए। हालेलुया, आज बहुत सारे लोग क्या है खाली नाम के मसीह बन चुके हैं, फेसबुक पर और भी बहुत सारी जगह पर अपने नाम के पीछे मसीह डालेंगे, पर मसीह जैसे काम नहीं है। हालेलुया, मसीह जैसा जीवन नहीं जी रहे। आज हमें भी अपने जीवन को देखना चाहिए कि यीशु मसीह ने हमारे लिए एक अनंत जीवन ठहराया है, क्या उस अनंत जीवन को हम पा सकते हैं या नहीं। अपने क्रूस को उठाइए, धीरे धीरे चलना शुरू कीजिए, परमेश्वर आपको शक्ति देगा, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा ताकि तुम उस छुटकारे, ये जो संसार है इस संसार से छुटकारा पाने के लिए अपने क्रूस को उठाइए, क्योंकि मौत एक दिन सबकी होनी है। हमारा जीवन एक भाप की तरह, जो धुंध होती है ना, धुंध, धुंध का कोरा आता है, कोरा क्या है एक जब धूप आती है तो चला जाता है, इसी तरह ही हमारा जीवन है एक ना एक दिन नाश हो जाएगा। पर क्या है यीशु मसीह पूछेगा कि तुमने क्या किया धरती पर, इतना टाइम तुम रहे, इतना तुमने जीवन मैंने दिया था तुम्हें, 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, 40 साल का या 60 साल का, 80 साल का, तो क्या किया तुमने, अपना क्रूस उठाया या नहीं, या फिर अपने जिंदगी को ऐशो आराम में जिया, अपने करियर को बढ़ाने में, अपने आप को ऊंचा करने में, धन दौलत कमाने में। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने करियर को देखते हैं, अपने बेटे बेटी को देखते हैं कि मैं बड़ा करके उसे अच्छे पदवी पर खड़ा करूं, पर ये नहीं देखते कि मैं अपने बेटे को, अपनी बेटी को, मैं खुद क्रूस को उठाऊं।
क्योंकि वचन में लिखा है जो क्रूस नहीं उठाता वो यीशु मसीह को नहीं जानता। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह इतना महान था, इतना पवित्र था कि उसने अपने आप को क्या है हमारे लिए दे दिया, क्योंकि वो तो बहुत पवित्र था। आज हम भी क्या है बहुत पवित्र बनने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, पर मेन बात है कि अपने गुनाहों को मानना और क्रूस को उठाना। हालेलुया। एक जगह वचन में लिखा मत्ती 16:24 में, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यहाँ पर अपने आप का इनकार करना यानी कि अपने सभी कामों को छोड़कर, अपने सभी चिंताओं को छोड़कर एक क्या है लक्ष्य की ओर दौड़ना। लक्ष्य हमारा क्या है? यीशु की क्रूस को उठाकर यीशु के पीछे चलना। हालेलुया। आज क्या है अगर हम खाली नाम के मसीह बने हुए हैं तो इसका यीशु मसीह को लिए कोई बलिदान नहीं है। आज बहुत सारे लोग नाश हो रहे हैं, वो क्या है बहुत सारी ऊंचाइयों पर जा रहे हैं, बहुत सारे हेलीकॉप्टरों में जा जाकर एक दूसरे दूसरे देश क्या है जीवन की शांति के लिए, पर शांति ये जीवन है जो शांति ये वचन है। हालेलुया हालेलुया। अगर हमने क्या है अपने क्रूस को नहीं उठाया, दुखों को नहीं झेला, क्योंकि जो वचन में लिखा है जो दुख होता है ना दुख, वो परमेश्वर ऐसा लाएगा कि तुम्हारे क्या है सहने में होगा, सहने से बाहर नहीं होगा। आज दुख तो आएंगे, उन्हें आपने सहना है, आपकी मौत नहीं होगी दुखों से। जब क्या है इन दुखों में चलते चलते परमेश्वर को क्या है प्रशंसा करते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए हम दौड़ेंगे तो उस अनंत जीवन को पा सकते हैं। हालेलुया। जो स्वर्ग में हमारे लिए यीशु मसीह ने ठहराया। अगर हम यहाँ पर क्या है सोचे कि मैं यीशु मसीह को बाद में जान लूंगा, पहले क्या है अच्छे से जीवन जी लूं, अच्छे से मैं अपने बेटों को एक अच्छे पदवी पर खड़ा कर दूं, तो जीवन क्या है व्यर्थ है हमारा। हालेलुया। फिर खाली हम नाम के मसीह है, क्योंकि वचन में लिखा है अगर तुमने यीशु मसीह को जान लिया तो उसके पीछे ही चलो। अगर तुम उसके पीछे नहीं चल सकते तो आज ही क्या है यीशु मसीह के पीछे से हट जाओ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ऐसा जीवन नहीं चाहता। वचन में लिखा है हर एक छोटी से छोटी बात का भी न्याय होगा। तो छोटी से छोटी बात में आप सोच लीजिए कि छोटी बात क्या हो सकती है, कि यीशु मसीह की छोटी छोटी आज्ञा तो बहुत है। दूसरों से प्रेम रखना, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। हालेलुया हालेलुया। पड़ोसी से प्रेम रखना, अपने समान प्रेम रखना, छोटी छोटी आज्ञा बहुत परमेश्वर ने दी है। पर मेन जो आज्ञा है कि दूसरों लोगों को भी बचाना। क्रूस को जब उठाते हैं तो दूसरे लोगों को भी बताते हैं। क्रूस उठाने का मतलब है कि दूसरों को भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना। हमारे ऊपर दुख तकलीफें आती हैं फिर भी यीशु मसीह का प्रचार करना। हालेलुया हालेलुया।